ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ईसीडी नंबर 1490, क्लैरिफाइड ऑन 10 जून 2011 एट तिरुपति, आंध्र प्रदेश। का प्रातः क्लास है March 13, 1963। टुडेज मॉर्निंग क्लास इज डेटेड 13 मार्च 1963। रिकॉर्ड चला है तुम ही मेरे मीत हो। द रिकॉर्ड प्लेड इज तुम ही मेरे मीत हो, दैट इज यू अलोन आर माई बिलवेड। बच्चे मेहमान कर रहे हैं पति तो पावन की। चिल्ड्रन आर प्रेजिंग द प्यूरिफायर ऑफ द सिनफुल वंस। बाप आए खास भारत को पावन बनाते हैं। द फादर कम्स एंड स्पेशली मेक्स भारत प्योर। और भारत में ही पति तो पावन गाया जाता है। And it is in Bharat that the purifier of the sinful ones is praised. कोई विदेशों में पतित पावन नहीं गाया जाता है। The purifier of the sinful ones is not praised in the foreign countries. अर्थात न विदेशी इतने पतित बनते हैं न उनको पावन बनाने आता है। That is, the foreigners neither become so sinful, nor does he come to make them pure. भारत में ही पूरे पतित बनते हैं, भारतवासियों को ही पूरा पावन बनाया जाता है। It is only in Bharat that people become completely sinful, and it is the Indians who are made completely pure. अब परमपिता परमात्मा पावन बनाने का वर्षा देते हैं। नाउ द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल गिव्स द इनहेरिटेंस ऑफ मेकिंग प्योर। वर्षा देने वाला बाप जिसको राम कहा जाता है। द फादर हु गिव्स द इनहेरिटेंस इज कॉल्ड राम। राम और रावण दो हैं। Ram and Ravan are two different souls. अब आसुरी संप्रदाय इन बातों को नहीं समझती है। Now the demoniac community doesn't understand these topics. तब तक नहीं समझेंगे जब तक ईश्वरी संप्रदाय नहीं बने। They will not understand until they become the members of the community of God. अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय अर्थात राम की संप्रदाय बने हो। Now you have become the members of the community of God, that is Ram's community. भारत ही डीटी वर्ल्ड और भारत ही डेविल वर्ल्ड बनता है। Bharat itself becomes Deity world and Bharat itself becomes Devil world. इस समय सभी मनुष्य अपन को आसुरी बुद्धि नहीं समझते हैं। At this time, all the human beings don't consider themselves to be the ones with demoniac intellect. क्योंकि अपन को समझ लेते हैं कि मेरे अंदर ईश्वर बैठा है। Because they think for themselves that God is sitting in them. समझते हैं कि सभी में ईश्वर है। They think that God is in everyone. तो ईश्वर बैठ ईश्वर को ईश्वरीय मत देते होंगे। So God must be giving directions of God to God.
परंतु बात समझाते हैं, अभी तो सभी के अंदर 5 असुर प्रवेश हैं। बट द फादर एक्सप्लेन्स, नाउ द 5 वाइसेस आर प्रेजेंट इन एवरीवन। इसलिए सभी की आसुरी बुद्धि है। दिस इज वाई एवरीवन हैज अ डिमोनियक इंटेलेक्ट। कोई भी राम को तो जानते ही नहीं। Nobody knows Ram at all. जब राम अथवा शिव को जानते हैं तो उनसे वर्षा मिलता है। When you know Ram or Shiv, it is then you get the inheritance from them. बिना जाने वर्षा कैसे मिलेगा? How can you get the inheritance without knowing them? फिर भी देखो आसुरी संप्रदाय में घमंड कितना है। Yet see, the demoniac community has so much ego. बिल्कुल कंगाल, रोगी, पतित, कौड़ी तुल्य बन गए हैं, तो भी ये नहीं समझते कि हमको रावण का श्राप मिला है। They have become completely poor, diseased, sinful, like Kauris. Still, they do not understand that they have received the curse of Ravan. रावण को जलाते आते हैं। People have been burning Ravan. कहते हैं ये तो परंपरा से अर्थात आदि से चला आता है। They say this has been as a tradition. That is, this has been going on from the beginning. क्योंकि आदि सनातन हिंदू धर्म कह दिया है। Because they have named आदि सनातन हिंदू रिलीजन। इन बेचारों को ये पता ही नहीं है कि आधा कल्प राम राज्य और आधा कल्प रावण राज्य होता है। These poor ones don't know at all that there is the kingdom of Ram for half a kalpa and the kingdom of Ravan for another half a kalpa. राम राज्य में भक्ति होती नहीं है। There is no bhakti in the kingdom of Ram. और रावण राज्य में ही भक्ति होती है। And there is bhakti only in the kingdom of Ravan. और भक्ति भी देखो कितनी कड़ी है। And look, the bhakti is also so difficult. तुम देखेंगे कि मनुष्य शिव को भी और देवताओं को भी जाकर पूजते हैं। You will see that people go and worship Shiv as well as the deities. अब देवताओं के चित्र तो घर में भी रखते हैं। Well, they keep the pictures of deities at homes as well. फिर भी याद आती है कि जाकर मंदिर में लक्ष्मी नारायण का दीदार करें। Yet it comes to their mind that they should go and see Lakshmi and Narayan in the temple. तो याद आने से वो जड़ चित्र तो सामने आ जाता है। So, when they are reminded of them, the non-living pictures come in front of them. That is, in their mind. जैसे कि अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया। It is as if they have an indirect vision. फिर भी जाकर देखते तो है, क्यों जाती है मंदिर में? Yet, they do go and see. Why do they go to the temple? मंदिर में इसलिए जाते हैं क्योंकि घर में गंध करते हैं। They go to the temple because they pollute the home. इसलिए देवताओं को एक किनारे रखते हैं। This is why they keep the deities in a corner. तो देवता को याद करने से उनका चित्र तो बुद्धि में आ जाता है। So, by remembering deities, their pictures do come to their intellect. फिर भी जाकर वो ही देखते हैं। Yet, they go and see the same picture. तो फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। So, there is no use. भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं। There are so many blows in the path of bhakti. अब तुमको इन धक्कों से छुड़ा लिया है। Now you have been liberated from these blows. वैसे शिव को भी याद करते हैं। In a way, they remember Shiva as well.
जानते हैं वो निराकार है। दे नो दैट इज इनकॉर्पोरियल। मंदिर में ही वही निराकार का लिंग का चित्र रखा है। द सेम पिक्चर ऑफ द इनकॉर्पोरियल वन द लिंग हैज बीन प्लेस्ड इन द टेम्पल। फिर भी जाते हैं दर्शन करने। येट दे गो टू सी इट। यहाँ कोई आता है तो उनसे पूछो कि तुम शिव को जानते हो। When anyone comes here, ask him or her, do you know Shiv? मंदिर में तो जाते हो। You do go to the temple. और मंदिर में चीज तो वही है, वही जड़लिंग है। And there is the same thing, the same non-living ling in the temple. शिव चैतन्य है या लिंग है? Is Shiv living or non-living ling? जैसे कृष्ण का जड़ चित्र है। फॉर एग्जाम्पल देर इज अ नॉन लिविंग पिक्चर ऑफ कृष्ण। तो जरूर चैतन्य में आया होगा। देन ही मस्ट हैव सर्टनली कम इन द लिविंग फॉर्म। कृष्ण चैतन्य में आया होगा तो शिव भी जरूर आया होगा। इफ कृष्ण वुड हैव कम इन अ लिविंग फॉर्म शिव मस्ट हैव कम एज वेल। परंतु शिव तो निराकार है। बट शिव इज इनकॉर्पोरियल। तो जरूर कोई के शरीर में आवेगा। सो डेफिनेटली ही विल कम इन समवन्स बॉडी। सिर्फ आत्मा तो शरीर बगैर कुछ कर नहीं सकती है। द सोल अलोन कांट डू एनीथिंग विदाउट अ बॉडी। अब कोई बतावे कि शिव क्यों आया था। नाउ समवन टेल अस व्हाई डिड शिव कम। क्यों आया था और कैसे आया था। Why did he come and how did he come? परंतु ये बात कोई को पता नहीं है। But nobody knows this. तुम बच्चे जानते हो वो ही पतित पावन है। You children know he alone is the purifier of the sinful ones. अगर कृष्ण कहें तो फिर उन्हों को उसी नाम रूप में चेतन में आना पड़े। If we say Krishna to be so, then he will have to come with the same name and form, in the living form. परंतु ऊंचते ऊंच पतित पावन तो शिव ही है। But the highest of all, the purifier of the sinful ones, is only Shiv. उनका चित्र सभी की बुद्धि में आता है। His picture comes to the intellect of everyone. फिर भी उनका दर्शन करने मंदिर में तो जाते हैं। येट दे डू गो टू द टेम्पल टू सी हिम। फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। देर इज नो बेनिफिट एट ऑल। मनुष्य घर बैठ उनका ध्यान कर सकते हैं। पीपल कैन रिमेम्बर हिम सिटिंग एट देयर होम। बुद्धि में वो ही जड़ चित्र आवेगा। द सेम नॉन लिविंग पिक्चर विल कम इन देयर इंटेलेक्ट। तो बिचारे भक्त कितनी अंधश्रद्धा में फंसे हुए हैं। सो द पुअर डिवोटीज आर इंटेंगल्ड इन ब्लाइंड फेथ सो मच। फिर भी देखो कितने बड़े बड़े गुरु बनाते हैं। येट लुक दे मेक सच बिग गुरुस। दिल्ली में एक आया था जिसने मानव मत संस्था खोली थी। अ गुरु हैड कम इन दिल्ली हु स्टार्टेड द मानव मत संस्था That is Human Opinion Association. अब मानव मत कौन सी है? Well, what is मानव मत? That is Human Opinion. मानवों की समय है ये आसुरी मत। The opinion of the human beings is only a demonic opinion at this time. क्योंकि रावण राज्य है। Because it is a kingdom of Ravan. ये आसुरी मत कौन सा राज्य स्थापन करेगी? Which kingdom will this demoniac opinion establish? आसुरी मत से आसुरी राज्य ही स्थापन होगा। Only demoniac kingdom will be established by demoniac opinion. परंतु कुछ भी समझते नहीं है। But they don't understand anything.
वो फिर समझता था कि बहुत गुरु निकले हैं। He, that is the guru, used to think that many gurus have emerged. यहाँ बहुत पाखंड है। There is a lot of hypocrisy here. So आया था जांच करने कि ये भी कोई पाखंड तो नहीं है। So he came here to check whether this is any hypocrisy or not. वो तो समझते हैं हमारा बहुत अच्छा मत है। They think that their opinion is very good. बलूनों को समझाया भी जाता है। Although they are also explained. परंतु समझते बड़ी मुश्किल से हैं। They hardly understand. उनको अपना घमंड बहुत ही रहता है। They feel very egotistic of themselves. जब ईश्वरीय मित मिले तो ही समझे। They can understand only when they get ईश्वरीय opinion. 13:63 की वाणी का दूसरा पेज। सेकेंड पेज ऑफ द वाणी डेटेड 13:63। तुम जानते हो हम ईश्वर की मत पर चल रहे हैं। यू नो वी आर फॉलोइंग द ओपिनियन ऑफ गॉड। बाकी तो सब आसुरी मत पर चल रहे। ऑल द रेस्ट आर फॉलोइंग द डिमोनियक ओपिनियन। अथवा कहें रावण की मत पर चल रहे हैं। Or else you could say that they are following Ravan's opinion. तुम जानते हो सतयुग में तो रावण होता ही नहीं है। You know that there is no Ravan at all in the golden age. वो लोग तो समझते हैं ये विकार परंपरा से चले आते। Those people think that these vices continue as a tradition. अर्थात सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग हर युग में विकार होते हैं। मीनिंग वाइसेस एग्जिस्ट इन एवरी एज दैट इज द गोल्डन एज द सिल्वर एज द कॉपर एज एंड द आयरन एज। तो शास्त्र में ये बातें रख दी हैं। सो दीज टॉपिक्स हैव बीन मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर्स। ये वेद शास्त्र भी परंपरा सतयुग से चले आते हैं ऐसे समझते हैं। People think that these Vedas and scriptures are also continuing as a tradition from the golden age. वास्तव में भारत का मुख्य शास्त्र गीता है। Actually, the main scripture of India is the Gita. परंतु सतयुग में तो कोई शास्त्र नहीं होता है। But there is no scripture in the golden age. ये सब शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं। All these scriptures belong to the path of bhakti. अभी बाप आए भक्ति के अंत में। Now the father has come in the end of bhakti. भक्त शिव की भक्ति करते हैं। Devotees do the bhakti of Shiv. बाप खुद आकर के देखते हैं कि मेरी भक्ति कैसे करते हैं। The father himself comes and sees how they do my bhakti. बाप तो आते हैं ज्ञान से सदगति करने। The father comes to bring सदगति through knowledge. भक्ति से कोई सदगति थोड़े ही होती है। सदगति doesn't take place through भक्ति। भक्ति तो शरीर की जड़ मूर्तियों की जाती है। Devotion is performed of the bodies, the non-living idols. और ज्ञान तो मन बुद्धि का विषय है। While knowledge is a subject of the mind and intellect. मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। The mind and intellect itself is called the soul. आत्मा ही पतित और पावन बनती है। The soul itself becomes sinful and pure. जड़ शरीर थोड़े ही पतित और पावन बनेगा। The non-living body will not become sinful and pure. लक्ष्मीनारायण का राज्य स्थापन करने के लिए बाप आते हैं। The father comes to establish the kingdom of Lakshmi and Narayan. शिव बाबा आते ही हैं भक्ति के अंत में।
शिव बाबा कम्स ओनली एट द एंड ऑफ भक्ति। तो अभी अंत में भक्ति की सारी सामग्री मौजूद है। सो नाउ द एंटायर मटेरियल ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द एंड। आ करके देखते हैं, मेरा जड़ चित्र भी है। ही कम्स एंड सीज माय नॉन लिविंग पिक्चर इज ऑल्सो अवेलेबल। कौन सा? विच वन? शिव बाप आकर देखते हैं कि मेरा ऐसे भक्ति मार्ग में जड़ चित्र भी है। कौन सा जड़ चित्र? द फादर शिव कम्स एंड सीज दैट हिज नॉन लिविंग पिक्चर इज ऑल्सो अवेलेबल इन द पाथ ऑफ भक्ति। विच नॉन लिविंग पिक्चर? भी क्यों लगा दिया? वाई वॉज ऑल्सो एडेड? चैतन्य चित्र भी है और जड़ चित्र भी है। देर इज अ लिविंग पिक्चर एज वेल एज नॉन लिविंग पिक्चर। जड़ चित्र दिया है लिंग आकार। द नॉन लिविंग पिक्चर इज लिंग शेप्ड। और चैतन्य चित्र हाथ पांव वाला दिया है। एंड द लिविंग पिक्चर हैज बीन डिपिक्टेड विथ हैंड्स एंड लेग्स। तो जरूर सतयुग की स्थापना करने के लिए कलयुग की अंत में आना पड़े। सो फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गोल्डन एज ही विल डेफिनेटली हैव टू कम इन द एंड ऑफ द आयरन एज। तो भक्ति के सभी चित्र आकर के देखते हैं। सो ही कम्स एंड सीज ऑल द पिक्चर्स ऑफ भक्ति। अब ये लक्ष्मी नारायण का जड़ चित्र है। नाउ दिस इज अ नॉन लिविंग पिक्चर ऑफ लक्ष्मी एंड नारायण। तो जरूर उनका चैतन्य में राज्य स्थापन करने आए हैं। सो डेफिनेटली ही हैज कम टू एस्टेब्लिश देयर किंगडम इन अ लिविंग फॉर्म। तो देखो तुम कितने भाग्यशाली हो। सो लुक यू आर सो फॉर्चुनेट। तुम तो प्रैक्टिकल में सब कुछ देखते हो। यू सी एवरीथिंग इन प्रैक्टिकल। अभी शिव बाबा आया है प्रैक्टिकल में। Now Shiv Baba has come in practice. कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर मेरी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते आए हो। He says, you have been worshipping me, Lakshmi and Narayan, for many births. और अभी मैं आया हूँ चैतन्य लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करने। And now I have come to establish the kingdom of Lakshmi and Narayan. तुम ज्ञान चक्षुओं से देख भी रहे हो। एंड नाउ आई हैव कम टू एस्टेब्लिश द किंगडम ऑफ लिविंग लक्ष्मी एंड नारायण। यू आर ऑल्सो सीइंग थ्रू द आईज ऑफ नॉलेज। बरोबर कल पहले भी आया था। ही डेफिनेटली केम अ कल्पा अगो एज वेल। अभी फिर उसी शरीर में आया है। ही हैज नाउ कम अगेन इन द सेम बॉडी। वो ही सारी भक्ति की सामग्री हाजिर है। The same material of bhakti is available. शिव का मंदिर भी है और मैं चैतन्य में भी हाजिर हूँ। There is a temple of Shiv as well as I am present in the living form. आदि देवी आदि देव के जड़ चित्र भी हैं और चैतन्य में भी वही ब्रह्मा सरस्वती हैं। There are non-living pictures of Adidevi, Adidev, as well as the same Brahma and Saraswati are present in the living form. Adar Kanya, Kumari Kanya, tum bhi yahan baithi ho. You, Adar Kanya, that is, a female who is married yet leads a life of purity, Kumari Kanya, that is, virgins, are also sitting here. तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। वो राजयोग के मंदिर खड़े हैं और वो लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहा हूँ। दे आर टीचिंग यू राजयोग। दोज टेम्पल्स ऑफ राजयोग आर स्टैंडिंग एंड आई एम एस्टेब्लिशिंग दैट किंगडम ऑफ लक्ष्मी एंड नारायण। उनके जड़ मंदिर भी खड़े हैं। दे आर नॉन लिविंग टेम्पल्स आर ऑल्सो स्टैंडिंग। अभी लक्ष्मी नारायण फिर से अपना राज्य भाग ले रहे हैं।
Now Lakshmi and Narayan are obtaining their kingdom once again. तो तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो क्लियर है। So your aim and objective is clear. जड़चित्त सामने खड़े हैं। The non-living pictures are standing in front of you. इन चित्रों में सभी चित्रों का ऑक्यूपेशन क्लियर है। The occupations of all the pictures are clear in these pictures. तुम जानते हो हम सुदेवी देवता बन जाएंगे। You know, we will become those deities. देवता बनेंगे तो चैतन्य में राजी करेंगे। When we become deities, we will rule in the living form. जब चैतन्य में राजी करेंगे तो वहां ये जड़ चित्र नहीं रहेंगे। When we rule in the living form, these non-living pictures will not exist there. ये सभी खलास हो जाएंगे। All these will perish. ये मंदिर, ये मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सब गिर जाएंगे। All these temples, mosques, churches, gurudwaras will crash. सब विनाश हो जाएंगे। All of them will be destroyed. विनाश हो जाएंगे। When will they be destroyed? सतयुग में या कोई और युग में? In the golden age or in any other age? जरूर कहेंगे स्थापना विनाश संगम युग में होती है। It will definitely be said that the establishment and destruction takes place in the confluence age. इस संगम में ही एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा चैतन्य में। Only one big temple will remain in the living form in this very confluence age. और ये मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे सब खलास हो जाएंगे। And all these temples, mosques, churches, gurudwaras will perish. जब क्राइस्ट आया था तो ये चर्चेज आदि थोड़े ही थे। These churches etc. weren't present when Christ came. जब बहुत इनके फॉलोअर्स हो जाते हैं तब पैसे इकट्ठे करके बनाते हैं। When the number of their followers increases a lot, they collect money and build them. और ये तो बहुत बाद में बनते हैं। Moreover, these are built much later. अभी तुम बच्चे जानते हो माया रावण ने हमें शापित किया था। Now you children know, माया रावण had cursed us. तब हम आसुरी संप्रदाय बन गए थे। At that time, we became the members of the demoniac community. ये भी सब आसुरी संप्रदाय कितने गंगाल बन गए हैं। All these members of the demoniac community have also become so poor. भिख मांग रहे हैं। They are seeking vices. ये रावण का श्राप है। This is Ravan's curse. अभी तुमको मिलता है राम का वर्षा। Now you get the inheritance of Ram. गांधी भी कहते थे हम पतित हैं। गांधी ऑल्सो यूज टू से वी आर सिनफुल। हे राम आकर के राम राज्य का वर्षा दियो। ओ राम कम एंड गिव अस द इनहेरिटेंस ऑफ किंगडम ऑफ राम। उस गांधी ने तो नॉन वायलेंस सिखाई। दैट गांधी टॉट नॉन वायलेंस। परंतु अभी तो ये लड़ाई में फंस गए हैं। But now these people have involved in fights. अभी लड़ाई करते रहते हैं। Now they keep on fighting. पहले हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते थे। Earlier, Hindus and Muslims used to live together.
ब्रिटिश गवर्नमेंट ताकत वाली थी तो कोई नाम नहीं लेता था लड़ाई झगड़े का। ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज पावरफुल सो नोबडी यूज टू टॉक अबाउट फाइटिंग। अभी राज्य मिला है निर्बलों को तो सभी ठुग्गे मारते रहते हैं। नाउ द वीक वंस हैव रिसीव्ड द पावर सो एवरीवन कीप्स ट्रबलिंग। एक तरफ चीन है दूसरी तरफ पाकिस्तान है। ऑन वन साइड देर इज चाइना एंड ऑन द अदर साइड देर इज पाकिस्तान। इसलिए अब लड़ाई का सामान इकट्ठा करने के लिए पैसे मांग रहे हैं। दिस इज वाई दे आर सीकिंग मनी टू कलेक्ट मटेरियल्स फॉर वॉर। गांधी थोड़े वायलेंस के लिए पैसा मांगता था। गांधी डिडंट यूज टू सीक मनी फॉर वायलेंस। वो तो भूख हड़ताल पिकेटिंग आदि का राज्य लिया। ही ऑब्टेन्ड द किंगडम थ्रू हंगर स्ट्राइक्स पिकेटिंग एटसेट्रा। अभी देखो कितने दुखी हैं। नाउ लुक पीपल आर सो सॉरफुल। तमो प्रधान है तो दुख बढ़ता जाता है। दे आर तमो प्रधान सो द सॉरो गोज ऑन इंक्रीजिंग। जब तुम सतो प्रधान बनते हो तो कितने खुश सुखी हो जाते हो। When you become सतो प्रधान you become so happy। अभी तो तमो प्रधानता और भी बढ़ेगी। Now तमो प्रधान ट्रेड्स विल इंक्रीज फर्दर। रक्त की नदियां बहेंगी बहुत कुछ होगा। Rivers of blood will flow, many things will happen। या श्रीमत उल्टे रास्ते पर आ जाएगी। This demoniac opinion will go on an opposite path। जो श्रीमत लेंगे वो श्रेष्ठ बनेंगे सब तो नहीं बनेंगे। Those who obtain श्रीमत will become righteous, everyone will certainly not become righteous। क्योंकि सबका तो विनाश होना है। Because everyone is going to be destroyed। शांति तो सत्युग में होती है। देर इज पीस इन द गोल्डन एज। अभी तुमको वो वर्षा मिल रहा है। नाउ यू आर गेटिंग दैट इनहेरिटेंस। अभी तो माया रावण का शाप है। देर इज अ कर्स ऑफ माया रावण। नाउ राम पीस स्थापन करता है रावण पीस लेसनेस बनाता है। राम एस्टेब्लिशेस पीस रावण कॉसेस पीसलेसनेस। तो सुख शांति का वर्षा राम परमपिता परमात्मा से मिल सकता है। यू कैन गेट द इनहेरिटेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस फ्रॉम राम द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल। तो बस बातें ही दो हैं। आधा कल्प रावण राज्य आधा कल्प राम राज्य। सो देर आर ओनली टू थिंग्स देर इज किंगडम ऑफ रावण फॉर हाफ अ कल्पा एंड देर इज द किंगडम ऑफ राम फॉर हाफ अ कल्पा। तो अभी पावन बनने का वर्षा लेना चाहिए। सो नाउ यू शुड ऑब्टेन द इनहेरिटेंस ऑफ बिकमिंग प्योर। और पावन बनाने वाला एक ही है। एंड द वन हु मेक्स यू प्योर इज ओनली द वन। उनका नाम राम कहने से तो त्रेता में चले जाते। बाय सेइंग हिज नेम एज राम दे थिंक ऑफ द राम ऑफ द सिल्वर एज। इसलिए शिव कहें। दिस इज वाय इफ यू से शिव तो वो सदा सुख का वर्षा देने वाला सदाशिव उनको तो सभी जानते हैं। एवरीवन नोज दैट सदाशिव हु गिव्स द इनहेरिटेंस ऑफ हैप्पीनेस फॉरएवर। अच्छा बच्चों को गुड मॉर्निंग। अच्छा गुड मॉर्निंग टू द चिल्ड्रन। और एक छोटी सी मुरली है 16363 की। देर इज अनदर स्मॉल मुरली डेटेड 16363। रिकॉर्ड चला है नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु।
द रिकॉर्ड प्लेड इज नैन ही इनको राह दिखाओ प्रभु. मीनिंग ओ गॉड शो द पाथ टू द साइटलेस वंस. ये तो भक्ति मार्ग वाले हैं जो परम पिता परमात्मा को पुकारते रहते हैं. इट इज द पीपल इन द पाथ ऑफ भक्ति हु कीप कॉलिंग द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल. हम तो बुद्धिहीन हैं, नैनहीन हैं. दैट दे आर अनइंटेलिजेंट ब्लाइंड. उनको आए अपने साथ मिलने का मार्ग बताओ. कम एंड शो देम द पाथ टू मीट यू. अभी तुम बच्चे तो मार्ग बताने वाले से मार्ग देख रहे हो. नाउ यू चिल्ड्रन आर सीइंग दैट इज नोइंग द पाथ फ्रॉम द वन हु शोज द पाथ. और वो बाप राहबा राह बताए रहे हैं. एंड दैट फादर इज शोइंग द पाथ. तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है. यू हैव रिसीव्ड द थर्ड आई ऑफ नॉलेज. तुम देख रहे हो कि जो नए नहीं बुद्धिहीन है वो भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए रहे. यू सी दैट दोज हु आर ब्लाइंड अनइंटेलिजेंट आर सफरिंग सो मेनी ब्लोज इन द पाथ ऑफ भक्ति. और तुमको तो बाप ने राह बताई है. बट एज रिगार्ड्स यू द फादर हैज शोन यू द पाथ. तो दर्द धक्के खाने से अभी तुम बच गए हो. सो नाउ यू आर सेव्ड फ्रॉम सफरिंग ब्लोज फ्रॉम डोर टू डोर. इन बातों का तुम्हारा प्रैक्टिकल में अनुभव है. यू हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ दीज थिंग्स. बाप भी कहते हैं कि हे अंधे की औलाद अंधे दिखलाते हैं तुम रावण की औलाद थे. द फादर ऑल्सो सेज ओ ब्लाइंड वंस द चिल्ड्रन ऑफ द ब्लाइंड वंस ही शोज दैट यू वर रावण्स चिल्ड्रन. गीता भागवत में जो धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर दिखाए हैं वो तो समझाया है. As regards Dhritarashtra and Yudhishthir who have been shown in the Gita Bhagavat, it has been explained. इस समय धृतराष्ट्र कौन है और युधिष्ठिर कौन है. That who is Dhritarashtra and who is Yudhishthir at this time. वास्तव में तो चाहे युधिष्ठिर हो चाहे धृतराष्ट्र हो सभी अंधे की औलाद हैं. एक्चुअली वेदर इट इज युधिष्ठिर वेदर इट इज धृतराष्ट्र एवरीवन इज अ चाइल्ड ऑफ ब्लाइंड वन. किसी बड़े आदमी को अंधा कहो तो उसे गुस्सा आ जाएगा. इफ यू कॉल अ बिग पर्सन ब्लाइंड ही विल फील एंग्री. इसलिए समझाया जाता है कि माया रावण ने सभी को अंधा बनाई दिया है. This is why it is explained that Maya Ravan has made everyone blind. बाप आए ज्ञान का तीसरा नेत्र अथवा कहो वरदान का नेत्र देते हैं. The father comes and gives you the third eye of knowledge or the eye of blessing. तुम बच्चों की अभी आंख खुली है. The eyes of you children has opened now. अभी हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम नए नहीं हैं. नाउ वी वोंट से दैट वी आर ब्लाइंड. क्योंकि हमको तो यहाँ आए अब बुद्धि मिली है. बिकॉज नाउ वी हैव ऑब्टेन्ड इंटेलिजेंस आफ्टर कमिंग हियर. बुद्धि का तीसरा नेत्र मीनिंग द थर्ड आई ऑफ इंटेलेक्ट. बाबा ने रास्ता भी बताई दिया. बाबा हैज ऑल्सो शोन द पाथ. बाप कहते हैं मैं तुम सबको पंडा बनकर के ले जाने के लिए आया हुआ हूँ और सभी का मैं एक ही पंडा हूँ. द फादर सेज आई हैव कम एज अ पंडा दैट इज गाइड टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम द ओनली गाइड ऑफ एवरीवन. वो जिस्मानी पंडे तो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं. दोज फिजिकल गाइड्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स. मैं
तो सभी को साथ ले जाऊंगा। आई विल टेक एवरी वन अलॉन्ग विथ मी। आई हूँ राह बताने के लिए। आई हैव कम ओनली टू शो द पाथ। परंतु जब तक पवित्र नहीं बने हो कोई भी निर्वाण धाम को जाए कैसे सके। बट अंटिल यू हैव बिकम प्योर हाउ कैन एनीवन गो टू द निर्वाण धाम दैट इज द अबोड बियॉन्ड स्पीच। सन्यासी कह सकते हैं कि हम जाकर ज्योति ज्योति जगावेंगे। सन्यासी कैन से वी विल गो एंड लाइट द लैंप्स। क्योंकि वो निर्विकारी बनते हैं। बिकॉज दे डू बिकम वाइसलेस। परंतु वो भी जा नहीं सकते हैं। बट दे कांट गो ईदर। सभी का सदगति दाता पतित पावन तो एक ही है। द गिवर ऑफ सदगति द प्यूरिफायर ऑफ द सिंफुल वंस इज ओनली द वन। तो जरूर उसे एक को ही आना पड़े। सो डेफिनेटली दैट वन हिमसेल्फ विल हैव टू कम। अभी तुम बच्चे मार्ग को जानते हो। नाउ यू चिल्ड्रन नो द पाथ। कहाँ जाना होता है तो पूछते हैं ये रास्ता कहाँ है। इफ समवन हैज टू गो समवेयर दे आस्क वेयर इज दिस रोड सिचुएटेड। नाम भी रख दिए सुभाष मार्ग त्रिमूर्ति मार्ग त्रिमूर्ति रोड। द नेम्स ऑल्सो हैव बीन गिवन सुभाष मार्ग मार्ग मीन्स रोड त्रिमूर्ति मार्ग त्रिमूर्ति रोड। अभी तो सभी कहते हैं हम अंधे हो गए हैं। नाउ एवरीवन सेज वी हैव बिकम ब्लाइंड। बाबा तुम ही आकर के अपने परम धाम का रास्ता बताओ। बाबा यू योरसेल्फ कम एंड शो द पाथ टू योर सुप्रीम अबोर्ड। तो बाप परम धाम जाने का सहज मार्ग बताते। So the father shows the easy way to go to the supreme abode. आधा कल्प तुम भक्ति करते आए परंतु मार्ग तो मिला ही नहीं। You have been doing bhakti for half a kalpa, but you didn't find a path at all. अभी मैं तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग बताए रहा हूँ। Now I am showing you the path of mukti and jivan mukti. तुम इन पांच विकार रूपी रावण द्वारा पत्थर बुद्धि बन गए हो। यू हैव बिकम द वन विद स्टोन लाइक इंटेलेक्ट थ्रू रावण इन द फॉर्म ऑफ द फाइव वाइसेस। अब हम कह सकते हैं कि हम गति सदगति का मार्ग बता सकता हूँ। नाउ वी कैन से दैट वी कैन शो द पाथ ऑफ गति सदगति। इसको निर्वाण धाम और जीवन मुक्ति धाम कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड निर्वाण धाम एंड जीवन मुक्ति धाम। दुर्गति को नरक को धाम नहीं कहेंगे। डिग्रेडेशन और हेल विल नॉट बी कॉल्ड अ धाम दैट इज अबोर्ड। वो तो रौरव नरक है। दैट इज अ हॉरिबल हेल। बाप तो परम धाम से आते हैं। द फादर कम्स फ्रॉम द सुप्रीम अबोर्ड। बाप को क्रिएटर भी कहा जाता है। द फादर इज ऑल्सो कॉल्ड द क्रिएटर। भाई को तो क्रिएटर नहीं कहेंगे। अ ब्रदर विल सर्टेनली नॉट बी कॉल्ड क्रिएटर। क्रिएटर एक बाप ही होता है। द फादर अलोन इज द क्रिएटर। तो परम पिता परमात्मा आते ही हैं स्वर्ग स्थापन करने। सो द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल कम्स ओनली टू एस्टेब्लिश हेवन। बाप कभी बच्चों को दुख के लिए क्रिएट नहीं करते हैं। द फादर नेवर क्रिएट्स चिल्ड्रन फॉर सोरो। वो तो सुख के लिए क्रिएट करते हैं। ही क्रिएट्स देम फॉर हैप्पीनेस। ताकि उनको वर्षा दो। सो दैट ही कुड गिव देम द इनहेरिटेंस। बच्चा बीमार होता है तो अपने पास्ट कर्मों अनुसार दुख भोगता है। व्हेन अ चाइल्ड इज सिक ही एक्सपीरियंसेस सोरो एज पर हिज पास्ट एक्शंस। बाकी बाप तो खुद देने के लिए नहीं करते हैं। हाउएवर द फादर डजंट क्रिएट चिल्ड्रन फॉर सोरो। बच्चा बीमार है लंगड़ा है लूला है अंधा है ऐसे जन्मता है ना।
Sometimes a child is born sick, lame, crippled, blind, isn't he? तो अपने पास्ट कर्मों के अनुसार दुख भोगता है। Then he experiences sorrow as per his past actions. इस समय तो बाप जो हमको जन्म दे रहे हैं अथवा हमको वंशावली बनाए रहे हैं, तो बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो फिर 21 जन्म तुम कर्म नहीं कूटेंगे। At this time, when the father is giving us birth or is making us the mouth-born progeny, so Baba says, I teach you such actions that you will never suffer the results of karma for 21 births. लौकिक बाप जन्म देंगे तो भी तुम कब दुख नहीं देखेंगे। When the Laukik father gives birth, even then you will never experience sorrow. वहाँ ऐसे ही होता है। It happens just like this over there. और यहाँ तो अकाल मृत्यु भी हो जाती है। Whereas here, untimely deaths also occur. मैं तुमको अब सभी कर्म का बंधन से छुड़ाता हूँ। Now, I liberate you from all the karmic bondages. बल पास्ट का हिसाब किताब अब भोगना पड़ता है। Although you have to suffer the karmic accounts of the past now. परंतु भविष्य 21 जन्म कोई दुख नहीं देखेंगे। You will not see any sorrow for the future 21 births. Ever healthy, ever wealthy, ever happy का वरदान देता हूँ। I grant you the boon of being ever healthy, ever wealthy and ever happy. तो देखो कितना फर्क हो जाता है। So look, so much difference arises. यहाँ तो लोग के बाप से जन्म लेते ही दुख पाते आते हैं। Here, you experience sorrow as soon as you are born from the Laukik father. फिर कह देते हैं ईश्वर ही सुख दुख देता है। Then they say that God himself gives happiness and sorrow. अरे ये तो बेहद का बाप है, बेहद का सुख देने वाला है। अरे this is the unlimited father who gives unlimited joy. बेहद के बच्चे तो मुख वंशावली बनते हैं, उनको बैठ शिक्षा देते हैं कि तुम ऐसे गुणवान तो बनो। He sits and teaches the unlimited children who become the mouth-born progeny. Just become virtuous like this. कल पहले भी मैंने तुमको ऐसा गुणवान बनाया था। I had made you virtuous like this kalpa ago too. सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म का वर्षा अब मैं तुमको आकर के देता हूँ। Now I come and give you the inheritance of being complete with all the virtues, completely viceless and non-violence, which is the best religion. अब जो जितना बाप से सीखेंगे, कितना तुम पद पावेंगे, सुख भोगेंगे? Well, the more someone learns from the father, they will achieve the post and experience happiness to that extent. ये कितनी अच्छी बातें। These are such good topics. इन बातों को कोई भी बच्चा समझ सकता है। Any child can understand these topics. खास बाप हमारे लिए आए हैं और हमारे लिए दुख नहीं रचते हैं। The father has especially come for us and he does not create sorrow for us. दुख तो हम अपने लिए खुद रचते हैं। We create sorrow for ourselves. 16363 की वाणी का दूसरा पेज। Second page of the Vani dated 16363. अब मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूँ जो तुम 21 जन्म कभी दुखी नहीं होंगे। Now I give you such teaching that you will never become sorrowful for 21 births. परंतु ये सीखना तो तुमको है, क्योंकि माया ही उल्टा काम कराती है। But you have to learn this because it is Maya which makes you perform wrong actions. क्रोध वश किसको मारते हैं व नाक कान काटते हैं तो दूसरे जन्म में लूले लंगड़े अंधे बन जाते हैं। If you beat someone out of anger or cut someone's nose, ears,
यू बिकम क्रिपल्ड लेम और ब्लाइंड इन द नेक्स्ट बर्थ। परंतु वहां स्वर्ग में तो माया ही नहीं है, तो ऐसे कर्म भी नहीं भोगने पड़ते। बट माया इज नॉट एट ऑल प्रेजेंट ओवर देयर इन हेवन, सो यू डोंट हैव टू सफर सच कर्म ईदर। अभी तो तेरे पुरुषार्थ पर है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर पुरुषार्थ। पढ़कर के ऊंचे नंबर ले लो। स्टडी एंड अचीव अ हाई नंबर, दैट इज रैंक। 108 की नंबर वार माला बनती है। द रोजरी ऑफ 108 इज फॉर्म नंबर वाइज, दैट इज अकॉर्डिंग टू देयर पुरुषार्थ। स्कूल में भी बड़े बड़े क्लास में जास्ती 100 स्टूडेंट होंगे। इवन इन द स्कूल्स इन द हायर क्लासेस देयर विल बी एट द मोस्ट 100 स्टूडेंट्स। जास्ती नहीं बिठाएंगे। मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल नॉट बी अकोमोडेटेड। कॉलेज व यूनिवर्सिटी में ही इतने 40-50 स्टूडेंट होते हैं। इन द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी इटसेल्फ देयर आर 40-50 स्टूडेंट्स। 100 से जास्ती नहीं होंगे किसी क्लास में। देयर विल नॉट बी मोर देन 100 इन एनी क्लास। एक टीचर है जास्ती को नहीं पढ़ा सकता। वन टीचर कैन नॉट टीच मोर स्टूडेंट्स। तो यहाँ भी ऐसे है। सो इट इज लाइक दिस हियर एज वेल। हर एक क्लास अलग अलग। एवरी क्लास इज डिफरेंट। तो देखो इतने ही होंगे, एक दिल्ली में 10 क्लास है। सो लुक देयर विल बी ओनली दीज मेनी, देयर आर 10 क्लासेस इन दिल्ली। बल वृद्धि को पाते जाते हैं, तो क्लास तो अलग अलग है ना। ऑल्दो दे दैट इज स्टूडेंट्स इंक्रीज इन नंबर, द क्लासेस आर डिफरेंट aren't they? ये राजौरी का क्लास है, ये सीताराम बाजार का क्लास है। दिस इज द क्लास एट राजौरी, दिस इज द क्लास एट सीताराम बाजार। तो हर एक में इतने ही स्टूडेंट्स होते हैं। सो देर आर ओनली दीज मेनी स्टूडेंट्स इन एवरी क्लास। क्योंकि सभी क्लास इकट्ठे तो नहीं पढ़ेंगे ना। बिकॉज ऑल द क्लासेस विल नॉट स्टडी साइमल्टेनियसली, विल दे? क्लास में प्रश्न उत्तर है, पढ़ाई है, वो तो बहुत में चले जाए। क्वेश्चन एंड आंसर्स स्टडीज टेक प्लेस इन अ क्लास, देयर नंबर विल इंक्रीज अ लॉट इफ ऑल द क्लासेस आर कम्बाइंड। और बहुत में तो ऐसे प्रश्न उत्तर पूछ नहीं सकेंगे। And questions and answers cannot take place among so many students. इसलिए छोटे छोटे क्लास होते। This is why small classes with small number of students are arranged. सभी बच्चे समझते हैं कि हम स्टूडेंट्स हैं और गार्ड हमको पढ़ाते हैं। All the children feel we are students and God teaches us. ये तो बहुत सहज बातें हैं। दीज आर वेरी इजी टॉपिक्स। गीता का भगवान हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। गॉड ऑफ द गीता टीचेस अस, ही टीचेस राजयोग। अब कृष्ण की आत्मा जो 16 करोड़ संपूर्ण सतयुग में आती है, वो पतित दुनिया में आकर के कैसे पढ़ावेगी? वेल हाउ कैन द सोल ऑफ कृष्ण विच कम्स इन द गोल्डन एज complete with 16 celestial degrees come and teach in the sinful world? खून को पतित दुनिया में आने की क्या गरज पड़ी है जो कलयुग में आवेंगे? Where is the necessity for him to come in the sinful world that he will come in the iron age? कलयुग तो कलाहीन होता है। The iron age is devoid of celestial degrees. वहां 16 कला संपूर्ण कैसे कृष्ण आवेगा? How will Krishna complete with 16 celestial degrees come there? और द्वापर में आवे, जैसे शास्त्रों में लिखा है, तो द्वापर में भी कृष्ण की आत्मा काली देह में गिरती है।
एंड इवन इफ ही कम्स इन द कॉपर एज एज पर दैट रिटन इन द स्क्रिप्चर्स इवन इन द कॉपर एज द सोल ऑफ कृष्ण फॉल्स इन डार्क पूल दैट इज काली द पूल ऑफ अ पॉइजनस स्नेक नेम्ड कालिया। पूछते हैं ये देवी देवताएं काली दह में विषय सागर में कब गिरे। पीपल आस्क व्हेन डिड दीज डेटीज फॉल इन द काली दह इन द ओशन ऑफ वाइसेस। बाप समझाते हैं द्वापर आदि से गिरे जब माया का राज्य आरंभ होता है। द फादर एक्सप्लेन्स दे फेल इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉपर एज व्हेन द रूल ऑफ माया बिगिंस। पहले द्वापर युगी देह में पड़ेंगे। फर्स्ट दे विल फॉल इन द कॉपर एज पूल। क्यों पड़ेंगे? क्योंकि कलयुग को ही काली दह कहा जाता है। Why will they fall? It is because Kaliyug itself is called Kali Dah. Baki Maya Ravan Dwapar se pravesh hota hai. However, Maya Ravan enters in the Copper Age. Maya bhi pehle Satopradhan hai. Maya is also Satopradhan initially. To kam dukhdayi hai. Hence, she is less sorrowful. Jab Tamopradhan banti hai, to bahut dukh deti hai. When she becomes tamo pradhan, she gives a lot of sorrow. पहले माया इतना तंग नहीं करती है। Maya doesn't trouble much in the beginning. धीरे धीरे दुख बढ़ता जाता है। Gradually, sorrow increases. क्योंकि माया भी तमो प्रधान बनती जाती है। Because Maya also continues to become tamo pradhan. अभी देखो क्राइस्ट आता है धर्म स्थापन करने। Now look, Christ comes to establish his religion. उस समय उनकी एक्ट चलती है जिसको दिनचर्या कहें। At that time he acts, which can be called daily routine. वो एक्ट जब क्राइस्ट गया तो खलास हो जाती। That act ends when Christ departs. जरूर बाद में बाइबल बनाया होगा। Definitely, Bible must have been made later on. वैसे ही बाबा भी आया होगा तो उस समय की एक्टिंग होगी। Similarly, when Baba must have come, there will be acting performed by him. तो ये गीता भागवत महाभारत ये सब बाद द्वापर में बने हैं। So, all this Gita, Bhagavat, Mahabharat have been prepared later on in the Copper Age. है तो सभी से एक ही समय का गायन। जब गीता का भगवान आया था। ऑल दिस इज द ग्लोरी ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम व्हेन गॉड ऑफ द गीता हैज कम। अब वो पार्ट प्रैक्टिकल में चल रहा है। नाउ दैट पार्ट इज बीइंग प्लेड इन प्रैक्टिस। भगवान भी सुना देंगे उनको जिनको कल पहले सुनाया होगा। इवन गॉड विल नरेट टू दोस हुम ही वुड हैव नरेटेड अ कल्पा अगो। वो गीता तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। यू हैव बीन लिसनिंग टू दैट गीता बर्थ आफ्टर बर्थ। अभी हम तो गॉडली स्टूडेंट्स हैं। नाउ वी आर गॉडली स्टूडेंट्स दैट इज स्टूडेंट्स ऑफ गॉड। हम डायरेक्ट भगवान से शिक्षा पाए रहे हैं। वी आर ऑब्टेनिंग नॉलेज फ्रॉम गॉड डायरेक्टली। वो गीता पढ़ने वाले कोई ऐसे थोड़े ही कहेंगे। द रीडर्स ऑफ दैट गीता विल नॉट से लाइक दिस। अभी बाप ने समझाया है तो हमारी आंखें खुल गई है। नाउ द फादर हैज एक्सप्लेन टू अस सो अवर आईज हैव ओपन्ड। वो तो गीता सुनते सुनते फिर भी कहते हैं कि हमको राह दिखाओ। Despite listening to the Gita, those people say, show us the path. वो भक्ति मार्ग है। That is the path of bhakti. तो अब बाप कहते हैं,
ऐसे अच्छे कर्म सीखो जो फिर तुम 21 जन्म का अब दुख नहीं देखेंगे। सो नाउ द फादर सेज लर्न सच गुड एक्शंस सो दैट यू विल नेवर सी सोरो फॉर 21 बर्थ्स। वहां ये ज्ञान नहीं होगा। दिस नॉलेज विल नॉट एग्जिस्ट ओवर देयर। वहां तो देवताएं अलबेले होंगे। देयर द डेटीज विल बी केयर फ्री। कृष्ण को अलबेला कान्हा कहते हैं ना। कृष्ण इज कॉल्ड अलबेला कान्हा दैट इज केयर फ्री कृष्ण इजंट ही। वहां है सुख की प्रारब्ध। देयर इज द फ्रूट ऑफ हैप्पीनेस ओवर देयर। वो सुख की प्रारब्ध पाने के लिए तेरा है ऊंचे ते ऊंच इम्तहान। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दैट फ्रूट ऑफ हैप्पीनेस देयर इज योर हाईएस्ट एग्जामिनेशन। तो ये बुद्धि में आना चाहिए कि हम डबल सिर ताज बन रहे हैं। सो इट शुड कम इन योर इंटेलेक्ट दैट यू आर नाउ बिकमिंग डबल क्राउन्ड वंस। बाबा अपना अनुभव भी बताते हैं। बाबा नरेट्स हिज एक्सपीरियंस एज वेल। सोता हूँ चलता हूँ फिरता हूँ तो यही याद रहता है कि हम गार्डली स्टूडेंट हूँ। By sleeping, walking, moving around, I only remember that I am a student of God. God द्वारा पढ़कर के God नाले God goddess बनेंगे। We will become God goddess by studying from God. अगर ये निश्चय है तो सदैव खुशी रहनी चाहिए। If you have this faith, you should always feel happy. ये father तो स्वर्ग का रचयिता है। This father is the creator of heaven. उनसे 21 जन्मों का हम वर्षा ले रहे हैं। We are obtaining the inheritance of 21 births from him. स्टूडेंट को टीचर जरूर याद आता होगा। The teacher must be coming through the mind of the student without fail. यहाँ तो बाप टीचर गुरु तीनों इकट्ठा है। Here all the three, the father, the teacher and the guru are together. तो कैसे भूलना चाहिए। So how should you forget? परंतु वंडरफुल बात है पढ़ाने वाला भी भूल जाता है। बट इट इज अ वंडरफुल थिंग दैट यू इवन फॉरगेट द टीचर। माया बच्चों को भुलाए देती है। माया मेक्स द चिल्ड्रन फॉरगेट। तो बाप कहेंगे हो मम माया तुम कितनी प्रबल हो। सो द फादर विल से ओ माई माया यू आर सो स्ट्रांग। टीचर को याद करे तो वर्षा भी याद आवे। If you remember the teacher, you will remember the inheritance as well. और कितने बच्चे हैं जो टीचर को भी याद नहीं करते मुरझाए जाते। But there are so many children who do not even remember the teacher. They wither, that is, become sad. नहीं तो बच्चों को खुशी का पारा कितना चढ़ना चाहिए। Otherwise, the mercury of happiness of the children should raise a lot. अच्छा बच्चों को गुड मॉर्निंग। अच्छा गुड मॉर्निंग टू द चिल्ड्रन। ओम शांति।